रिजल्ट यार भव्या, तुम पूरे साल वीडियो बनाती थी क्लास 11th पे, लेकिन तुमने रिजल्ट नहीं रिवील करा। कितनी गंदी हो तुम। ऑफ कोर्स कम ही आएंगे यार उसके नंबर, इस करके नहीं बता रही है। ऑफ कोर्स इससे पहले तुम ये सब कुछ सोचो मैं तुम्हें बताई देती हूं अपना रिजल्ट। Everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Bhavya and I'm a 12th grader. So, वैसे तो मैं अपने चैनल पे स्टडी व्लॉग्स डालती हूँ, बट मैंने सोचा स्टडी व्लॉग्स देख देख के तुम लोग भी बोर हो गए होंगे, राइट? राइट, यस। सो मैंने क्या सोचा है कि मैं बीच बीच में ना टॉक्स वाली वीडियोस भी डालती रहूँगी। सो आज हम बात करेंगे अबाउट माई क्लास 11th का फाइनल एग्जाम का रिजल्ट एंड मेरे प्लान्स का फॉर 12th ग्रेड। तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट इन टू द वीडियो, एंड वीडियो को ना पूरा देख लेना। या सो चलो चलते हैं। जो न्यू है मेरे चैनल पे उनके लिए मैं पहले बता देती हूँ, मैं एक बेसिक सा इंट्रो दे देती हूँ। सो देखो, आई एम अ 12th ग्रेडर, अभी मैं 12th में आई हूँ एंड आई हैव PCM एंड मेरे को सिर्फ बोर्ड एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करनी है, नॉट JEE लेवल। सो ये तो था बेसिक सा, ओके, मेरा इंट्रो। अभी बात करते हैं कि मेरा एम क्या है, कितने मार्क्स तक मेरे को स्कोर करने हैं, कितनी परसेंटेज तक इन क्लास 12th। बिकॉज अगर मैं ये नहीं बताती हूँ ना, स्टार्टिंग में ही क्लियर नहीं करती हूँ ना, तो जब तुम्हें मेरी 12th की रिजल्ट रिवील वाली वीडियो मिलेगी तब तुम मेरे को सर्टेनली जज करोगे। सो इससे पहले तुम मेरे को जज करो, मैं तुम्हें पहले ही बता देती हूँ, मेरा एम अप टू 80% ही है, नॉट दैट मच, नॉट लाइक कि 95, 98, नॉट लाइक दैट, जस्ट 80% आ गए, सो आई वुड बी वेरी हैप्पी। सो अब रिजल्ट वाली वीडियो पे जज मत करना जब भी, मतलब फ्यूचर में आएगी। ओके, अब बात करते हैं, वेल आई टेक ट्यूशंस इन क्लास 12th, ऑफ कोर्स शायद मैं लूँगी, एंड अभी तो नहीं क्योंकि अभी स्टार्ट नहीं हुई है, जब स्टार्ट होंगी आई स्टार्ट टेकिंग देम। ओके, मैं स्कूल जाती हूँ, ऑफकोर्स जाती हूँ बिकॉज ये लास्ट ईयर है, सो आई थॉट कि चलो स्कूल चले जाते हैं वैसे ही। नाउ लेट्स टॉक अबाउट माई क्लास 11th का फाइनल का रिजल्ट। यार भव्या, तुम पूरे साल वीडियो बनाती थी क्लास 11th पे, लेकिन तुमने रिजल्ट नहीं रिवील करा, कितनी गंदी हो तुम। ऑफकोर्स कम ही आए होंगे यार इसके नंबर, इस करके नहीं बता रही है। ऑफकोर्स इससे पहले तुम ये सब कुछ सोचो मैं तुम्हें बता ही देती हूँ अपना रिजल्ट। देखो मेरा ना रिजल्ट अभी तक आया नहीं है और पता नहीं कब आएगा, बता ही नहीं रहे हैं हमारे स्कूल वाले रिजल्ट। सो अब बहुत डिले भी हो सकता है रिजल्ट में, हो सकता है मार्च में आए। सो मार्च में जब भी आएगा, लाइक फेब में भी आ गया चाहे मार्च में आए, मैं तभी रिवील कर दूंगी, उस दिन के थोड़े दिन बाद तक रिवील कर ही दूंगी। बट चलो, तुम वीडियो अगर इसी करके देखने आए हो मेरे रिजल्ट करके, तो मैं तुम्हें बता देती हूँ मेरे एक्सपेक्टेड मार्क्स, सिर्फ एक्सपेक्टेड मार्क्स बताऊँगी। सो मेरे एक्सपेक्टेड मार्क्स, ऑफ कोर्स मैं पास हो सकती हूँ, तो पासिंग मार्क्स जो भी होंगे ना अपने लगाते रहना, वो मेरे एक्सपेक्टेड मार्क्स हैं, तो मैं पास हो जाऊँगी, मुझे इतना विश्वास है अपने ऊपर। देखो मेरे को ऐसे ही नहीं कर दिया गया है 12th में। ओके, सो एक्सपेक्टेड मार्क्स तो यही है यार मेरे, पासिंग मार्क्स, बाकी जो भी आएंगे मैं तुम्हें बताऊंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, जब रिजल्ट रिवील होगा सो यू विल गेट दैट वीडियो ऑन योर फीड। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि मैं कब तक स्टडी व्लॉग्स बनाने वाली हूँ एंड कितने स्टडी व्लॉग्स आया करेंगे। सो देखो, जब तक मेरे को ये फील ही नहीं होता कि अभी स्टडी व्लॉग्स बनाने का टाइम नहीं है, तब तक मैं स्टडी व्लॉग्स बनाती रहूँगी। बट जब मेरे को ऐसा फील होना स्टार्ट हो जाएगा कि अब एक्चुअली मेरे को ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, सो शायद तब जो है स्टडी व्लॉग्स की क्वांटिटी कम हो जाए। सो आई होप कि तुम समझोगे ये बात। बट एनीवेज, मैं अपना चैनल बंद नहीं कर रही हूँ, चैनल तो ओपन ही रहेगा, सो सब्सक्राइब करके रखना। ओके, सो कभी भी तुम्हें स्टडी व्लॉग्स मिल सकते हैं, एंड अभी तो डेली ही ऑलमोस्ट मैं डाल रही हूँ, मतलब रेगुलर जा रहा है मेरा चैनल, बाद में क्या होगा वो मेरे को नहीं पता। और हाँ, कुछ लोग ना मेरे को ये कह रहे थे कि तुम सिर्फ 15 साल की हो और हम तो 16 साल के हैं और हम 10th में और तुम 12th में होगी हो, क्या ये सच है या तुमने झूठ बोला है ये बात? अरे नहीं, मैं सच्ची में 15 ईयर्स की ही हूँ, डोंट थिंक कि मैंने झूठ बोला है। 17 और 18 जो भी कह रहा था कि मैं 17-18 की हूँ, नहीं मैं 17-18 की नहीं हूँ, मैं 15 की ही हूँ। अब इसका रीज़न मत पूछना, बहुत लॉन्ग स्टोरी है। और क्वेश्चन आते हैं कि क्या मैं क्लास की टॉपर हूँ, तो देखो मेरे को नहीं पता, वो तो जब 12th का रिजल्ट आएगा ना फाइनल, तब पता चलेगा ना।
सो डोंट आस्क मी दीज क्वेश्चंस राइट नाउ। एंड या एक और चीज़, चलो यहाँ पे तुम पीछे देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा है 11th ग्रेडर एंड मेरे को ना इस पर एक डंडी लगा के इसको 12 करना था और मैं भूल ही गई, अब मेरे को याद आया। सो अभी कर लेते हैं इस वीडियो में ये शुभ काम, तो शुभ कार्य कर लेते हैं। सो भाई ये रहा मार्कर एंड इससे ही मैं कर रही हूँ, तुम लोगों को दिखेगा कि नहीं, मैं इसको खोलती हूँ। देखो ओके हो रहा है। सो ये तो हो गया एंड एक और है यहाँ पे, मैं वो भी कर देती हूँ। ओके डन ये वाला भी। तो भाई अब मेरे पास और कुछ कहने के लिए नहीं है, अब मैं मिलूंगी तुम्हें नेक्स्ट स्टडी व्लॉग में। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना। सो या मीटिंग नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर